आज हम देख रहे हैं कि अपनी सीवी के अंदर जो हमने ये वाला सेगमेंट क्रिएट किया था, अब इसके आगे किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो देखिए, ये वाला सेगमेंट मैंने कैसे बनाया है कि यहाँ पर मैंने एक शेप बनाया है जिसको मैंने ट्रांसपेरेंट कर दिया है। फिर यहाँ पर एक शेप बनाया है जिसको मैंने ये इस तरह से थोड़ा थिन करके और थोड़ा लंबा कर दिया है, और लंबा कर सकता हूँ मैं इस तरीके से, देखिए, ठीक है। और फिर यहाँ मैंने इसके अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर स्किल्स लिखा है जिसको सेलेक्ट करके मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि ये मुझे थोड़ा सा बड़ा नज़र आए। और इसके बॉक्स को मैंने अलग से मेंटेन कर रखा है और उसके साथ मैंने इसके साथ रख दिया है। अब इसी तरह का कुछ काम मैं आपको नीचे करके बता रहा हूँ, जैसे इसमें स्किल्स के बारे में लिखा हुआ है। फर्दर मोर इस फ़ोटो के अंदर देखेंगे तो लैंग्वेजेस के बारे में भी कुछ जिक्र किया गया है, और भी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप अपनी हॉबीज़ का जिक्र इसमें कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इसमें अपने बारे में फ़र्दर कुछ और भी बता सकते हैं। तो इस चीज़ को मैं आपको थोड़ा बना के बताता हूँ ताकि आपको ये वाला आइडिया इसके अंदर हो जाए। तो हम यहाँ पर आते हैं फिर से। तो मैं वैसे इसका डुप्लीकेट ले सकता था, लेकिन आपको दोबारा से क्रिएट करके बता रहा हूँ कि कैसे करना है काम। इंसर्ट में गए और हमने यहाँ से क्लिक किया शेप के ऊपर, और जैसे ही हमने शेप पर क्लिक किया तो ये एक शेप हम अपने हिसाब से बना लेंगे। इस शेप को हम अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं, डिस्टेंस और साइज़ और इसके हिसाब से कि ये कैसे इस पर नज़र आना चाहिए और कैसे दिखेगा हमारा। इसी शेप की एक डुप्लीकेट कर लेते हैं और उसको थोड़ा सा थिन करके इस तरीके से कर लेते हैं। इसकी आउटलाइंस को हम नो आउटलाइन कर देते हैं और ये थिन करके हम इसको यहाँ पर लगा देते हैं। इसके बाद इसकी विड्थ को यहाँ से जाके हम कम कर लेते हैं, जिससे इसकी विड्थ काफ़ी कम हो जाएगी, और इसको और मज़ीद थिन कर लेते हैं। इसके बाद इसकी रिपोजिशनिंग अपने कीबोर्ड से एरो कीज़ की मदद से, राइट एरो की मदद से इसको हम इस साइड पर कर लेंगे। और उसके बाद जब ये इस साइड पर एडजस्ट हो जाएगा तो फिर हमने क्या करना है, इसको और अगर थिन करना है इसको तो फिर यहाँ से इसकी बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो थोड़ा मैन्युअली इस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं। तो मैन्युअली करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे जाके हमें यहाँ से क्लिक करना है इस तरीके से, और ये इस तरह से नज़र आएगा। एंड देन फिर इसको थोड़ा सा विड्थ इसकी बढ़ानी है तो इस तरीके से इसको यहाँ से हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, और इसको क्लिक करके यहाँ पर इस तरह से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये इस तरीके से नज़र आएगा, और फिर थोड़ी सी और विड्थ बढ़ा लेते हैं इसकी, यहाँ पे रख के इसको हम यहाँ पे रख देते हैं ताकि इस तरह से नज़र आए। उसके बाद हम इसमें यहाँ पर एक और बॉक्स ले लेंगे, तो इसी बॉक्स पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल डी दबाएंगे और डुप्लीकेट करके एक और बॉक्स यहाँ पर ले लेंगे। और जब हम वो बॉक्स यहाँ से हम ले चुकेंगे तो यहाँ पर रख कर हम इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस पर राइट बटन दबा के ऐड टेक्स्ट करेंगे आप, जिसके बाद इसमें हमें लिखना है लैंग्वेजेस। तो LANGUAGES लैंग्वेजेस लिखने के बाद हमने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है बॉक्स को। होम में जाना है, यहाँ से लेफ़्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे तो अब इस बॉक्स की पोजिशन चेंज करनी है, तो हम यहाँ से गए शेप फॉर्मेट में, यहाँ से जाके शेप आउटलाइन पर क्लिक किया, इसको यहाँ से जाके नो आउटलाइन किया। जैसे ही नो आउटलाइन किया तो अब इस बॉक्स को हमने एरो कीज़ की मदद से, लेफ़्ट राइट अप डाउन एरो कीज़ की मदद से, मैं इसको नीचे लेकर आया, फर्दर नीचे लेकर आया, और लेफ़्ट एरो की मदद से मैं इसको लेफ़्ट साइड पर ले गया। इसके बाद मैंने इस बॉक्स पे राइट क्लिक सॉरी शेप फिल पर गया, यहाँ से नो फिल किया। इसके बाद जो इसके अंदर का फॉन्ट है उसको मैं होम में गया, उसको यहाँ से बोल्ड किया, क्लिक करके उसके कलर को यहाँ से मैंने वाइट कर दिया ताकि वो इसके ऊपर मुझे सही तरह नज़र आए। और कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको मैंने अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। एंड देन उसके बाद ये कुछ इस तरह से मुझे नज़र आ रहा है। थोड़ा सा फॉन्ट साइज इम्प्रूव करने के लिए 11 के फॉन्ट्स के ऊपर मैंने इसको सेट कर दिया। इसके बाद मैं इसको और थोड़ा सा लेफ़्ट राइट एरो की मदद से इसको अप एंड डाउन मैं इसको जैसे चाहूँ मैं मूव कर सकता हूँ। एंड देन क्लिक करके यहाँ से इस वाले शेप का जो विड्थ है वो मैं शेप फॉर्मेट में जाके यहाँ से इसकी विड्थ को कम कर लेता हूँ। फर्दर कम करने के बाद मैं राइट एरो की मदद से इसको राइट साइड पे अलाइन कर देता हूँ। मुझे लग रहा है कि मुझे इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करने की ज़रूरत है, तो मैंने यहाँ पे रख के इसको फिर इसकी विड्थ को बढ़ाना शुरू किया, तो ये राइट साइड पे एडजस्ट होके इस तरह से बढ़कर मुझे नज़र आएगा, और जिसके बाद ये मुझे कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आते हैं इस बॉक्स के ऊपर, क्लिक करेंगे, देन वंस अगेन गो टू शेप फॉर्मेट, एंड देन वंस अगेन गो टू शेप आउटलाइन, एंड देन गो नो आउटलाइन, ठीक है। एंड देन फिर राइट एंड ऐड टेक्स्ट। अब इसके अंदर हमने जो टेक्स्ट लिखना है तो हमारा कर्सर बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर आ रहा है,
शेप फॉर्मेट में जाएंगे, टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करने से नीचे अलाइन पे क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे इसको टॉप करेंगे, इसके यहाँ पे होम पे जाएंगे, होम पे जाने के बाद इसको लेफ़्ट अलाइन करेंगे तो हमारा कर्सर सेंटर से टॉप पर और टॉप से लेफ़्ट अलाइन हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो इसके अंदर आपने क्या लिखना है, लेट्स गो टू द इमेज, लैंग्वेजेस में जाके हमें अपनी लैंग्वेजेस के बारे में बताना है कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस में हमें क्या क्या महारत हासिल है। तो यूजुअली जो हम लैंग्वेजेस इस्तेमाल करते हैं तो इंग्लिश लिख देते हैं, इंग्लिश, और उसमें लिख देते हैं आगे कि हम इसमें प्रोफिशिएंट हैं, ठीक है। और फिर हमारी सेकंड लैंग्वेज है, मैंने एंटर का बटन दबाया तो डिस्टेंस देखिए कितना आ रहा है, अभी इसको सेट करते हैं। इसके बाद उर्दू लिख लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, उसमें भी हम लिख देते हैं हम प्रोफिशिएंट हैं, ठीक है। सिंधी लिख लेते हैं, प्रोफिशिएंट हैं, हालांकि ये हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, पंजाबी लिख लेते हैं, जबकि इंटरनेशनल लैंग्वेज तो आपकी इंग्लिश ही है। अब ये जो इतना सारा हो गया तो यहाँ पर एक शॉर्ट की आपने दबानी है, मैं शॉर्ट की लिख देता हूँ कंट्रोल प्लस ए। तो ये शॉर्ट की जो है सेलेक्ट ऑल के लिए इस्तेमाल होती है, मैं इसको सेलेक्ट करके आपको थोड़ा सा ऐसे करके बता भी देता हूँ कि ये हमने क्यों लिखी है। तो मैंने यहाँ से इसको थोड़ा एक टैप दिया, थोड़ा आगे ले लिया और सेलेक्ट करके, वन सेकेंड, मैं जब इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये भी सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। मैं शिफ्ट के साथ लेफ़्ट एरो दबा के इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। तो इस शॉर्ट की को लिखने का मकसद यहाँ पे हमारा सिर्फ इतना है कि मैं यहाँ पे इसको इस तरह से दिखा देता हूँ ताकि ये इस तरह से नज़र आए, कंट्रोल ए। कंट्रोल ए शॉर्ट की जो है बेसिकली मैं इसलिए यहाँ पे दबा रहा हूँ ताकि ये सेलेक्ट ऑल हो जाए। ये कंट्रोल ए दबाया मैंने अपने कीबोर्ड से, ठीक है। और यहाँ पे जाके मैंने फिर क्या करना है, लेआउट के टैब में जाना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आफ्टर स्पेस पैराग्राफ, काफ़ी सारा स्पेस आ रहा है इसमें, और यहाँ से जाके हम इसको कम करते चले जाएँगे और इसको ज़ीरो कर देंगे तो देखें काफ़ी एक दूसरे से ये क्लोज़ हो जाएंगे, कंडेंस्ड हो जाएंगे। फिर यहाँ पे क्लिक करके आपने क्या करना है कि यहाँ पर ये जो लिखा है स्पेलिंग मिस्टेक है, आई थिंक प्रोफिशिएंट की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, तो प्रोफिशिएंट, तो प्रोफिशिएंट अब ये हो गया सही। तो ये स्पेलिंग आपको यहाँ पर इस तरह से नज़र आएगी। और फिर उसके बाद आपने इसको सेलेक्ट करना है, फॉन्ट साइज़ को थोड़ा इम्प्रूव देना है, एंड देन फॉन्ट को वाइट करना है, एंड देन फिर आपने इस शेप पर वंस अगेन क्लिक करना है। जैसे ही आप इस शेप पे क्लिक करेंगे, शेप फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ से जाके शेप फिल में जाके इसको नो फिल करेंगे तो ये देखें टेक्स्ट आपका अपीयर हो जाएगा और ये इस तरह से नज़र आएगा। इसको भी हाइलाइट्स देने के लिए होम में जाना है, एंड देन ब्लिट्स अप्लाई करने हैं, लेफ़्ट अलाइन करके इसको इस तरीके से रहने देना है। अगर बॉक्स का साइज़ फिर भी बड़ा है और फर्दर कोई चीज़ ऐड नहीं करानी तो इसको आप कम कर लें, और ये देखिए ये वाला साइड आपका क्रिएट हो गया कम्प्लीटली। तो ये हमने यहाँ पर इस तरह की चीज़ को इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं इजीली। अगर हम 100% पे व्यू कर रहे हैं तो ये बकायदा ऐसे नज़र आएगा, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। फर्दर मोर अगर आपको कोई और चीज़ ऐड करनी है, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको कि आपको इस तरह का काम नीचे भी कुछ ऐड करना है, तो इसके लिए देखिए एक तरीका बहुत आसान है, वो ये है कि आप पहले इस पर क्लिक करें, ये बॉक्स आपको नज़र आएगा, शिफ्ट के साथ आप इस वाले शेप पर क्लिक करें, शिफ्ट को होल्ड रखें, फिर इस वाले शेप पर क्लिक करें, ओके। वन सेकेंड देखिए, शिफ्ट मैंने होल्ड कर रखा है, इस शेप पे क्लिक किया, एंड शिफ्ट मैंने होल्ड कर रखा है, एंड देन फिर मैंने इस शेप पे क्लिक किया। तो ये तीनों शेप मेरे सेलेक्ट होने चाहिए, अगर नहीं हो रहे हैं तो वो काम नहीं हो पाएगा, ओके। ये नहीं हुआ सेलेक्ट नहीं हुआ। अब कभी कभार ऐसा होता है कि सिस्टम में कुछ वजह से ये सेलेक्ट नहीं हो पा रहा, तो सिलेक्शन पेन में चले जाएँ, और यहाँ सिलेक्शन पेन में जाके देखिए लास्ट आपने ये बनाया था, कंट्रोल का बटन होल्ड करें, दूसरा वाला सेलेक्ट कर लें, कंट्रोल का बटन होल्ड रखें, तीसरे वाले पे क्लिक करें, तो अब तो ये वाला बॉक्स भी सिलेक्ट हो गया। फिर शेप फॉर्मेट में जाके इनको आप यहाँ से जाके ग्रुप कर लीजिए, जैसे आप इसको ग्रुप करेंगे तो ये एक कंपाउंड बना लेंगे। फिर आप इसको कंट्रोल डी दबाइए सेलेक्ट करके, तो जैसे ही कंट्रोल डी दबाएंगे तो ये एक इसकी डुप्लीकेट कॉपी दे देगा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम किसी शेप की डुप्लीकेट लेते हैं तो कैसे लेते थे, एक शेप हमने क्रिएट कर दिया ऐसा डुप्लीकेट चाहिए तो कीबोर्ड से कंट्रोल डी दबाएंगे तो इसका डुप्लीकेट आ गया। फिर मैंने क्या किया, शिफ्ट के साथ दोनों को सेलेक्ट कर लिया, इनको ग्रुप कर लिया तो ये एक शेप बन गए, और कंट्रोल डी दबाया तो ये देखें दूसरे शेप्स इसमें से इसी तरह से निकल आए सेम डिज़ाइन को फॉलो करते हुए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से किया और ये मुझे एक और ब्लॉक मिल गया। अब इस ब्लॉक का एडवांटेज ये है मुझे कि मैं अगर इसमें कुछ और ऐड करना चाह रहा हूँ, मतलब लैंग्वेजेस के अलावा हॉबीज़ लिखना चाह रहा हूँ या अपना और कोई भी ऐसी स्किल्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के बारे में बताना चाह रहा हूँ, तो वो हेडिंग यहाँ लगा के उनको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो मकसद मुझे दोबारा से ये सब कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो मैंने यहाँ पे
बनाया है। ठीक है, तो अब आ जाएं इस साइड वाले पोर्शन पे काम करते हैं। तो ये जो मैंने लिखा है इसको मैंने यहाँ से मिटा दिया। अब चलते हैं कि नेक्स्ट सीवी में क्या लिखा हुआ था, कि अगर हम नीचे आएँ तो इसने सबसे पहले यहाँ पे कुछ अपना एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, फिर एबीसी इंडस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है, फिर एजुकेशन के बारे में लिखा हुआ है। तो इन्होंने यहाँ पर कुछ पहले अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन दिया है। ओके, अच्छा, किसको वॉइस नहीं आ रही है मेरी? बाकी तमाम कुछ ओके, एडमिट कर लेते हैं। इसको वॉइस नहीं आ रही, सर मुझे सही आ रही है वॉइस। तक तो सबको आ रही है वॉइस, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम चलते हैं नीचे की तरफ। तो ये वाले पोर्शंस को किस तरह से क्रिएट करना है और उनको कैसे दिखाना है, तो इसने जैसे कुछ अपने बारे में एफिशिएंसीज के बारे में लिखा है, आपने इसको पढ़ पढ़ के यहाँ से टाइप कर लेना है। तो मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट करता हूँ और इसको मैं रैंडम टेक्स्ट की तरफ ले जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जब हम रैंडम टेक्स्ट की तरफ जाएंगे तो हमने यहाँ पर देखना है कैसे करना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे वर्ड खोलना है और यहाँ पे हमने लिखना है, जैसे कि सपोज टू बी इसने इसमें कहा लिखने के लिए कि ये तीन स्टेटमेंट्स हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रैंडम टेक्स्ट की तरफ जाता हूँ और मैं यहाँ पे अपने फॉन्ट साइज़ को दोबारा से नॉर्मल करके फॉन्ट को सेट करता हूँ 12 के ऊपर, और यहाँ पर इसको थोड़ा जूम करके मैं यहाँ पर एक इक्वल टू रैंड लिख के एक फंक्शन लेता हूँ जिसमें एक पैराग्राफ को मैं इंटर कर लेता हूँ। अब इस पैराग्राफ का जो मामला है, मैं इसमें से इस पैराग्राफ में से मैं जो सेगमेंट लेने लगा हूँ वो इतना सेगमेंट ले लेता हूँ, ठीक है। एक दो तीन सेगमेंट ले लेता हूँ यहाँ से, यानी कि तो यहाँ तक का सेगमेंट ले लेता हूँ, सेकेंड लाइन पर ले लेता हूँ इसको, और यहाँ से मैं क्लिक करके इसको थर्ड लाइन पर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने क्लिक करके यहाँ से हमने इसको एंटर कर दिया और यहाँ पर आ गए। इसके बाद हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको हमने बुलेट अप्लाई कर दिया, और जैसे ही बुलेट अप्लाई करेंगे तो ये इस तरह से नज़र आएगा। फर्दर मोर मैंने इसको इंडेंट को लेफ़्ट साइड पे कर लिया और यहाँ पे लाइन स्पेसिंग में जाके इसको 1.15 या 1 लाइन स्पेसिंग पे सेट कर लिया। तो ये हमारा ऊपर वाला सेगमेंट इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। तो इसका जो सेगमेंट पार्ट है जो हम यहाँ इंटर करेंगे, यहाँ से इस बुलेट को रिमूव करेंगे और ये नॉर्मल बुलेट नज़र आएगा। इसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आना है एक्सपीरियंस की तरफ। अब ये देखिए ये वाला पार्ट किस तरह से क्रिएट करना है, इसको कैसे करना है। वॉइस किस किस को नहीं आ रही है वो बता सकता है चैट में। सर मैंने कल का सारा काम कर लिया। आप आवाज सबको आ रही है? यस सर आ रही है। सर ओके, अब देखें कि आवाज आ रही है सबको, मुझे इन्फॉर्म कर दें। ओके चले इसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। ओके तो चले इसको सब कंटिन्यू करते हैं आगे, कि यहाँ पे जाके क्लिक करते हैं और ये वाला सेगमेंट अब बनाना शुरू करते हैं जिसमें हमने लिखा है एक्सपीरियंस के बारे में। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। एक्सपीरियंस लिखने के बाद हम एंटर करके नीचे आएंगे और नेक्स्ट में हमने क्या करना है, यहाँ पर देखिए इसने एक कंपनी का नाम लिखा है XYZ लिमिटेड कंपनी। तो यहाँ पर भी हम कुछ अभी से ही लिख देते हैं XYZ, ये मतलब इन्होंने किसी कंपनी का नाम लिखा है जिसका वो अपना एक्सपीरियंस बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसमें इसने जो अब यहाँ पर देखिए दो सेगमेंट है, कुछ डेटा यहाँ है कुछ डेटा यहाँ नज़र आ रहा है। तो इसको आप टैप दबाएंगे, टैप 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 टैप, कीबोर्ड पर टैप का बटन कहाँ होता है ये देख लें, आपको पता होगा ये वाला बटन टैप होता है, ठीक है। तो इसको दबा के यहाँ पर लाएंगे और यहाँ पर लिखना है हमें May 2011 टू March 2012। तो मैं 2011 टू March 2012, ये एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि इस कंपनी में इतना अर्सा इन्होंने काम किया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करके
यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पर आने के बाद ये इस तरह से लिख लेना है आपने, और लिखने के बाद अब आपने इसके नीचे फर्दर एंटर करके आना है, और एंटर करके नीचे आके यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट लिखना है, जो इस तरह से इन्होंने अपना रोल लिखा है कि ये क्या काम करते थे इस कंपनी में। तो ये लिखने के बाद हमने यहाँ पे राइट बटन दबाना है और इस तरीके से कर लेना है। अब इसको सेलेक्ट करके अभी अभी नीचे आ रहे हैं हम इसके, ठीक है। अब इसके नीचे जो भी इन्होंने आपने ये डिटेल्स हैं ऐड करनी है इसी तरीके से जैसे लिखी हुई है। मैं फर्दर इसको इसी को रैंडमली यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये जो डिटेल्स मैंने ऊपर लगाई थी इसके ऊपर, तो यहाँ से कॉपी करके मैं नीचे इसको यहाँ पे एंटर करके पेस्ट कर देता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 डिटेल्स मैंने ऐड कर दी है। अब इसका सेटअप कैसे करना है इसको देखें, इसको सेलेक्ट कर लेंगे हम यहाँ से लेके यहाँ तक। सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हम इसको कहेंगे नो स्पेस। जैसे ही मैं इसको नो स्पेस कहूँगा तो यहाँ जाके क्लिक करेंगे और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो इनके दरमियान का स्पेस रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ये स्पेस इतना सारा बीच में कवर हो रहा है, इसको रिमूव करने के लिए लेआउट में जाना पड़ेगा, और आफ्टर के स्पेस को कम करके मैं इसको रखूँगा 6 के ऊपर। इसके बाद मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा और होम में जाऊँगा, और यहाँ से इसको कन्वर्ट करूँगा हेडिंग 1 के अंदर। हेडिंग 1 में कन्वर्ट करने के बाद फर्दर इस पर कोई फॉन्ट का साइज़ का इफेक्ट नहीं पड़ा, तो मैं इसको 14 का कर देता हूँ। और उसके बाद जो 14 इस पर करूँगा तो इसको क्लिक करके इसको सेलेक्ट करूँगा और इसको करूँगा हेडिंग 2 के ऊपर। जैसे इसको हेडिंग 2 पे करूँगा तो ये थोड़ा आगे चला जाएगा, इसको थोड़ा बैक स्पेस दबा के पीछे ले लूँगा, और इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसको भी बोल्ड करके इस तरह से शो करूँगा। जबकि इसको सेलेक्ट करके इसका फॉन्ट जो है मैं थोड़ा सा लाइट ग्रे कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा अलग से नज़र आए, और इटैलिक कर देता हूँ, और इसको राइट अलाइन कर देता हूँ ताकि ये राइट पर नज़र आए। लेकिन जब मैं इसको राइट करूँगा तो ये भी मेरा आगे की तरफ आ जाएगा। या तो अगर आपको ऐसे सही लग रहा है तो ठीक है, रहने दे, काम ऐसे भी सही चल जाएगा, नहीं तो फिर आप इसको लेफ्ट पे ही रखें और इसको टैब से आगे मैनेज कर लें। इसका फॉन्ट ब्लैक कर लूँगा मैं, बोल्ड कर दूँगा थोड़ा इस तरह से नज़र आए ताकि हाईलाइट्स में हो, और यहाँ पर इसको थोड़ा सा ब्लैक कलर में डार्क कलर का दे दूँगा। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट्स को सेलेक्ट करके इसका फॉन्ट 12 पे से थोड़ा सा बढ़ाऊँगा, और इसको भी यहाँ पर बोल्ड कर दूँगा ताकि ये इसके हिसाब से हाईलाइट हो जाए, और इसको भी थोड़ा सा इटैलिक करके इस तरह से शो कर दूंगा। बाकी फॉन्ट रिमेनिंग ये जो है 12 पे रहने दूंगा, और इस तरह मैं ये अपना एक्सपीरियंस वाला सेगमेंट जो है इसके अंदर कंप्लीट कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस के बाद जो है हमारे पास आईबीसी इंडस्ट्री लिमिटेड इसने इस तरह से लिखा, और बीच में एक लाइन भी ऐड की है। तो फर्दर मोर हमें इसको वजीद आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके यहाँ से कॉपी करेंगे, और कॉपी करके यहाँ पर नीचे आएंगे और इसको पेस्ट करेंगे। जैसे ही पेस्ट करेंगे तो सेम यहाँ आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसे पेस्ट करने के बाद इसमें ये वाला चेंजेस करनी है, एबीसी जो यानी कि सेकंड उसकी कंपनी का नाम है, तो एबीसी और आगे कह रहा है इंडस्ट्रियल लिमिटेड, और उसके बाद जो है आपने ये जो सेगमेंट है ये आपका थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, इसको बैक स्पेस दबाएंगे तो ये अरेंज हो जाएगा इस तरीके से। इसके बाद इसमें जो इसका डेट है वो चेंज कर लें, जैसे इसमें लिखा है मई 2012 से टिल प्रेजेंट, तो मई 2012 से अब तक ये क्या कर रहा है, ये प्रेजेंट है, टू प्रेजेंट, तो ये इसका मतलब अभी इसमें ये जॉब कर रहा है तो इसलिए इसने इसको टू प्रेजेंट कर दिया, तो टू प्रेजेंट। अब इसको आपने लेफ़्ट अलाइन करना पड़ेगा क्योंकि वरना ये आगे आ जाएगा, और इसको एक टैब दबाना पड़ेगा यहाँ पे इस तरह से शो हो। तो ऊपर भी यही चीज़ कर लीजिएगा कि इसको भी लेफ़्ट अलाइन कर लीजिएगा और उसको एडजस्ट करने के लिए, ठीक है, इस तरह से नज़र आ रहा है। उसके बाद इसकी जो जॉब रोल है वो यहाँ अपने इसने सेम ही रखा है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट रखा है, सपोर्ट था ऊपर, यहाँ असिस्टेंट हो गया ये, तो ये इस तरह से मामलात हो गए। और राइट बटन दबा के ये इसको हमने इस तरह से सेट कर लिया। बाकी नीचे के टेक्स्ट को आप देख देख के यहाँ पर से टाइप कर लीजिएगा, जैसा भी इसका टेक्स्ट है। थर्ड सेक्शन एजुकेशन या फाइनल होगा, इसमें जिसने अपनी एजुकेशन के बारे में बताया है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए भी आपने इसी तरह से स्टेप लेने हैं। मैं आपको ऊपर वाले में एक बता देता हूँ, यहाँ पर क्लिक करके सबसे पहले आपने जो है ना एक शेप क्रिएट करना है, तो यहाँ से हम वही शेप ले लेते हैं जो हमें यहाँ पर मिल रहा है। ओके, उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। तो उसके बाद हमने यही वाला शेप जो यहाँ बना रखा था, यहाँ पे क्लिक करके और कंट्रोल सी करके और यहाँ पे लाके हमने उसको क्लिक कर दिया, यहाँ पे ले जाके क्लिक किया है कंट्रोल वी करके, पेस्ट हो गया है। तो यहाँ पर हमने इसके आगे एक्सपीरियंस के आगे यही बार इस तरह से रख के और इसकी वेट को बढ़ा देना है, तो इसकी वेट को बढ़ा देंगे और फिर इस तरीके से ये हमारा काम आगे चलेगा। तो हमने यहाँ पर जो है इसको यहाँ से इस तरीके से आगे बढ़ा दिया और ये हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और इसी चीज़ को फिर हम नीचे भी कॉपी करके पेस्ट कर देंगे।